LIVF एक्सपो 2024 विश्वव्यापी व्यवसायों का संयोजन अवसरों का निर्माण। बहुप्रतीक्षित LIVF एक्सपो 2024 के पहले संस्करण की आधिकारिक घोषणा हो गई है। LIVF एक्सपो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा भौगोलिक सीमाओं के पार सार्थक व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। यह एक्सपो गुजरात के गांधीनगर स्थित हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होने जा रहा है। मुंबई स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। First of all, thank you, so much, for coming over for this press conference. We are connected with about 37 countries. As mentioned, we had representation from 22 countries in our last event in 2023, which was held at Munyono Resort at Uganda. This time also we have extended this, to about 37 countries, and I'm very sure that, more than 22 countries this time, because last time, as we said, that many people were left out, they felt left out, and so therefore I'm sure that, they would not like to miss out, this opportunity once again. As regards the number of sectors, I can say that, it is from advertising, all the way, advertising, agriculture, auto sector, banking and finance, chemicals, petrochemicals and fertilizers, education, electrical, event management, FMCG products, food and farming, furniture, names it, gems and jewelry, we are very strong here, mining, handicrafts, healthcare, hospitality, imports and exports, trading, IT and digital media, we are very strong at, logistics and shipping. Very, very strong at paper, stationery, plastics, professional services, as we mentioned, real estate, renewable energy, sports and recreation, telecom, textile, turnkey projects, waste management. These are the areas, we have, these are the sectors, we have identified, but more than that, therefore, we have said others. So, there is a wide scale opportunities here. हिंदी में बताऊं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं। आप जानते हैं कि इंडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट दोनों तरफ पे। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया की तरफ उनका झुकाव है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ही परचेज करना है। बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो पहले मोदी साहब की वजह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से, और खास करके उनका ये जो है अपना मेड इन इंडिया का जो उन्होंने जो एक अभियान जो चलाया है उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ग्रोथ है और इधर से इम्पोर्ट का भी बहुत काफ़ी ग्रोथ सबको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का जो पहल चल रही है ज्यादा ज्यादा लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया, उस पर कितना इस एक्सपो का फोकस करेगा? जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है वो खाली सेंटीमेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच भी है कि देश के भले में क्या है, और देश भी विश्व का एक भाग है तो विश्व के साथ संबंध भी अच्छे रख के काम आगे बढ़े वो देखना रहता है। तो एज अ नेशनल ड्रिवन फोकस फॉर द इंडस्ट्रीज एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और वो सब हिंदुस्तानियों को पूरे दिल से उसको फॉलोअप कर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू LIVF, LIVF ऑल्सो इज पार्ट ऑफ, LIVF इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन मिशन ऑफ मेड इन भारत। दैट इज इनफैक्ट वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ दिस इवेंट के भाई यहाँ पर जो हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, और उससे बाहर के लोगों को भी क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, और कैसा बढ़ावा हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में और सर्विस इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटीज़ में वो अपना प्रदान अब्रॉड कर सकते हैं। साथ ही में ये एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको बाहर से जो आयान करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो
इट्स अ टू वे ट्रैफिक, इट कैन बी वन वे ट्रैफिक कि भाई हमको खाली उनको देके उनके से उनके साथ पैसा लेना है। हम जो करते हैं तो करने के लिए भी उनकी भी सरकार की ज़रूरत रहती है, ताकि उनका भी फायदा रहे और हमारा काम भी आगे बढ़े। तो ये दोनों ध्येय है वो सम्मिलित करके ये आयोजन किया गया है। जो बाहर की कंपनियां हैं कितना कोविड के बाद अभी इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्ट ले रही है, उसके बारे में? एक ये सवाल एकदम बराबर है। अभी कोविड तो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है, लेकिन हमको जो पार्टिसिपेशन मिला है वो कोविड के बावजूद मिला है, और ये एक बहुत ही इनकरेजिंग समाचार है अपने सब भारतीय लोगों के लिए कि बाहर की कंपनियां जो है देश विदेश से आ रही है और किसी ने भी आज दिन तक अपना कैंसिलेशन नहीं दिया है। तो ऐसे ही लग रहा है कि कोविड है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं वो बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही जो हमको ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन दिख रहा है, हमको तो कोई कोविड का समाचार नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं हिंदी में कोशिश करूँगा कि देखो, एक तो बात है अभी चाइना में फोकस इंटरनेशनली कम हो रहा है, जाता है, वो इंडिया पे फोकस ज़्यादा है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे आईटी में तो इंडिया का नंबर आगे भी है, और कई कई कंपनियां यूके में इंडियन आईटी कंपनी की सर्विसेज अभी चालू है, लेती रहती है, और यहाँ के भी बिजनेसेस अभी वहाँ यूके में प्रेजेंस हो रहे हैं। कम से कम 800 कंपनीज यूके में इंडिया से इस्टेब्लिश हुई है, राइट, और वो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट देती है, यहाँ भी होता है। तो ये तो क्या है कि LIBF तो प्लेटफॉर्म दे रहा है सभी को कि भाई वहाँ की कंपनी को भी फायदा हो सके, यहाँ की कंपनी को भी फायदा हो सके, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर तो सभी को इंडिया का ही मिलेगा, वो इंटरनेशनल के लिए अच्छा है। वो मैं अगली बार भी बोला था कि भाई जनवरी ये मंथ अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए, इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, यहाँ वेदर कंडीशन बहुत सेटिस्फाइंग होती है, तो इसलिए उनको यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए उनका ये हमने टाइमिंग ऐसा रखा है। वाइब्रेंट गुजरात की बात है, वाइब्रेंट गुजरात में से भी कई लोगों एक्सटेंड करके वहाँ पार्टिसिपेशन हो गए, इसीलिए वहाँ रखा है गांधीनगर में कि हमको किसी को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बीच में वो ट्रैवल भी कर सकेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख सकेंगे, जो भी करना है वो भी कर सकते हैं, थोड़ा दिन में उत्तरायण भी है, तो ये सब मिक्स करके उनको एक्सपोजर मिलने वाला है, मिलेगा, और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो ज़्यादा ना ज़्यादा बढ़ेगा, इवेंट के साथ साथ बढ़ेगा और उनके बाद भी बढ़ेगा। जैसे यू नो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस मैंने बताया कि ये हम लोग की जो वेरियस कमिटीज़ है, LIBF का सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फायदा, इनडायरेक्ट फायदा या उसका मेजॉरिटी यूथ को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि वी हैव ऑल द टॉप ब्रांड्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेटिंग एंड ऑल द टॉप डिसीजन मेकर्स, थॉट लीडर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कमिंग ड्यूरिंग LIBF टू द एक्सपो। यू नो दे आर स्पेंडिंग एंटायर डेज ड्यूरिंग द एक्सपो। तो यूथ जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस या स्टार्ट करने का सोच रहा है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए पार्टिसिपेट करना, वहाँ से इंटरेक्ट करना। हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड टेबल्स किया था युगांडा में, जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स को हम लोग ने राउंड टेबल्स में बिठाया था, एंड दे वर गिवन चांस लाइक 8, 10, 20 पीपल एवरी लंच और डिनर, दे गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद वेरियस, जैसे IT सेक्टर आपने बताया, सोलर एनर्जी, उनके साथ डिस्कशन करने का चांस दिया था। उस दिन में वो मेंटरशिप के थ्रू या अपने क्वेश्चंस के थ्रू कितना उनको इनसाइट्स मिला, आई थिंक ऐसा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा पूरा दिन प्लान हो जाए। एग्जीबिशन के साथ साथ एक बंदा जब अंदर आ रहा है तो वो कैसे यू नो देयर इज एन एडेड एडवांटेज फॉर हिम थ्रू आउट, उनको पूरे दिन में कैसे हर एक पल वो अपना प्लान कर सके, हम लोग वैसे पूरा प्लान कर रहे हैं। विद एग्जीबिशन ऑफकोर्स देर आर अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट स्टफ दैट वी आर वर्किंग ऑन, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल हु आर एग्जीबिटर्स, वो लोग भी अपने आप में कैसे इंटरेक्ट कर सके। सुपर एक्साइटेड फॉर द 4 days एंड आई होप विद द पावर ऑफ मीडिया वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल हु कैन कम फॉर द एग्जीबिशन। ज़्यादातर वुमेन फ्रॉम अ फोकस फ्रॉम वुमेन स्टैंड पॉइंट, जो गृह उद्योग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग
वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग अपने घर से काम कर रहे थे लेकिन उनको एक्सपीरियंस करना है, उनके लिए सारे स्टॉल्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना जो टैलेंट है या अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए, वो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट सिस्टम है। कई बार ये भी होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये उनके लिए बहुत बड़ी एक्सपोजर मिल जाती है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है एंड एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, जो हम लोग बहुत एक हम लोग को एक एक्सपोजर मिला है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमारे लिए टू एक्सपोज आर बिजनेस, टू टॉक अबाउट आर वेंचर टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ सो ह्यूज, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन जाती है हमारे लिए, देखने के लिए बाहर की हो क्या रहा है ग्लोबल लेवल पे, हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को की बात करते हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे लिए वो बहुत एम्पावरिंग कम्युनिकेशन हो जाता है कि हमारा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वहीं पर आ जाता है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मी एंड सुनील वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मालदीव्स कंट्रोवर्सी विच जस्ट हैपेंड। तो अगर आप स्टडी करोगे लास्ट 10-15 डेज में वहाँ पे जो टूरिज्म हैज़ गॉन डाउन, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव एक्चुअली मेड मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। इंडिया ऑफकोर्स लक्षद्वीप बिकॉज वी हैड द प्लेटफॉर्म, सो विच एवर कंट्री वॉज रेडी विद द प्लेटफॉर्म और ऑफरिंग्स, कभी भी कुछ ग्लोबल, जैसे चाइना का अभी रिटेल अभी सुनाई दे रहा है कि अ लॉट ऑफ कंपनीज वॉन्ट टू मूव आउट, सो LIBF एक जरिया है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिससे कल जाकर वेन एवर एनी इंटरनेशनल ब्रांड्स इज एक्चुअली थिंकिंग टू मूव देयर बिजनेसेस आउट और बेनिफिट, तो एक प्लेटफॉर्म रहता है तो हमेशा उसको बेनिफिट मिलता है। सो सुपर एक्साइटेड फॉर LIBF। इस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी है कि इंडिया में जो बहुत सारी कंपनी है, आप पिछले कोविड के बाद जो भी कंपनी का सब रिजल्ट देखेंगे तो ऑल द रिजल्ट्स आर ग्रोइंग, हर कंपनी ग्रो कर रही है, हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एंड इन्वेस्टमेंट भी आप देखिए तो सब जगह से भारत की ओर आ रहा है। मैं ये इसके जरिए से यहाँ ये LMP जो एग्जीबिशन है वहाँ स्टॉक ब्रोकर्स भी है, वहाँ इन्वेस्टर्स भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, तो सबको पता चले कि भाई इंडिया में क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसे आपको पता चलेगा कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इट्स राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।